नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सेन नव भारती परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे बनाए हुए वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, बहुत काम आ रहे होंगे आपके, बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत तो काम आ ही रहे होंगे। और ये उम्मीद करती हूँ कि मेरे आने वाले वीडियोस भी आपके लिए कारगर सिद्ध हो, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। संधि की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज विसर्ग संधि के बारे में आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। और विसर्ग संधि के पांच नियम हम पहले पढ़ चुके हैं, जो विसर्ग प्लस अघोष वर्णों के बारे में थे। आज हम चर्चा करने वाले हैं विसर्ग प्लस विसर्ग के साथ में सघोष वर्णों के मेल का, ठीक है। तो इससे पहले कि हम संधि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, हम पहले जो सघोष वर्ण हैं उनके बारे में जान लेते हैं। वैसे तो मैं एक बार बता चुकी हूँ आपको, लेकिन फिर भी एक बार इनके बारे में रिमाइंड कर लेते हैं, रिमेम्बर कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो सघोष, मैंने आपको बताया था पहले भी कि सघोष का मतलब क्या होता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, स धन घोष। यहाँ पर स जो उपसर्ग लगा है, इसका अर्थ होता है साथ में या सहित, ठीक है। घोष का मतलब होता है कंपन, सभी जानते हैं आप घोष का मतलब क्या होता है, कंपन, ठीक है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सघोष वर्ण। हिंदी में सघोष वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में सघोष वर्णों की संख्या 13 है। क्यों, क्योंकि जो 31 से ये तो हमारे अघोष वर्ण हो चुके हैं ना, 31 वर्ण हमारे अघोष हो चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। सघोष वर्ण कौन से होते हैं, जैसे अघोष 1, 2, 1, 2 और 1 मिनट। अघोष वर्ण 13 होते हैं और सघोष वर्ण 31 होते हैं, कैसे, 1, 2 और 1, 2, तीनों श और मतलब ये 10 और ये 3, 13, ठीक है। अब हमारे सघोष में जो आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण यदि इसमें सम्मिलित हो गया तो बचा क्या, 3, 4 और 5, क्या बचा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। इसके अलावा शम से क्या बचा, हा, और क्या बच गया हमारे 33 व्यंजनों में से, और बच गए अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व। कुछ और भी बचा है क्या, जी हाँ, हमारे स्वर बच गए हैं, और हमारे स्वर भी किसमें आते हैं, हमारे 11 स्वर भी सघोष वर्ण के अंतर्गत गिने जाते हैं, इनकी गणना जो है वो सघोष वर्णों में की जाती है। तो गिनिए, प्रत्येक वर्ग के तीन वर्ण, तो प्रत्येक वर्ग के तीन वर्ण है, पांच हमारे वर्ण है, कितने हो गए, 15, एक हमारा हो गया ह, 4 हमारे हो गए अंतस्थ और 11 स्वर, कितने हुए, 15 और 1 16, 16 4 20, 20 और 11 31, सघोष वर्ण कितने हुए हमारे, 31। तो ये हमने जाना सघोष वर्णों के बारे में। इससे पहले की जो वीडियो था, इससे पहले की जो कड़ी हमने आपको वीडियो बनाया था, उसके अंतर्गत हमने अघोष वर्णों का विसर्ग से मेल, इसके बारे में चर्चा करी थी। पांच नियम हमने समझाए थे आपको, मैंने समझाए थे कि विसर्ग के बाद में, विसर्ग से पहले तो स्वर होना अनिवार्य है, और यदि विसर्ग के बाद में अघोष वर्ण आता है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या कहां आदेश होता है, कहां लोप, लोप तो खैर अभी आया नहीं है, कहां आदेश होता है, कहां वो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा करने वाले हैं विसर्ग संधि का छठा नियम, जो कि सघोष वर्णों से संबंधित है। तो चलिए पढ़ते हैं उनके बारे में। हमारा छठा नियम ये कहता है कि, तो हमें इस विसर्ग संधि में, अब जो हम नियम पढ़ने जा रहे हैं उनके अंदर हमें 31 वर्णों के बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। 13 वर्णों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले, हमें 31 वर्णों के बारे में चर्चा करनी है। 11 तो हमारे स्वर और 20 हमारे वर्ण जो बचे हैं, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। अगर विसर्ग से पहले अस्वर हो और विसर्ग के बाद में इस अ के अतिरिक्त, अ के अलावा कोई अन्य स्वर हो, कोई अन्य स्वर हो, यानी इस अ के अलावा हमारे कितने स्वर बचे, 10, कौन कौन से, आ छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री,
ए आई ओ आर औ। अगर इनकी अ के अलावा ये दस स्वर आते हैं तो इस विसर्ग का लोप कर दिया जाता है, ये विसर्ग हटा दिया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण है अतः धन एव, यहाँ पर कौन सा स्वर है अ के अतिरिक्त उन दस स्वरों में से कोई एक स्वर आया है। ठीक है, तो अतः अतः धन एव इसका क्या होगा, अत एव क्या हो गया, इसे हटा देंगे और वाक्य शब्द को ऐसे के ऐसे लिख देंगे। जैसे ततः धन एव क्या हो गया, तत एव क्या हो गया, तत एव। जैसे पयह, जैसे पयह धन आदि क्या हो गया इसका, एक तो ये भी रख सकते हैं आप और इसका ये भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार से संधि शब्द बना सकते हैं आप इसका। इसके अलावा देखिए यश, यश धन इच्छा, यश धन इच्छा क्या होगा, यश इच्छा। यदि आपको एक बात और ध्यान देने योग्य है यहाँ कि यदि आपको इस प्रकार से शब्द दिए जाते हैं तो विसर्ग संधि में गिने जाएंगे, और यदि विसर्ग की जगह आपको ऐसे दिया जाता है अत धन एव तो इसका क्या होगा, अतैव क्या होगा, अतैव। और ये कौन सी संधि का उदाहरण होगा, ये स्वर संधि में वृद्धि संधि का उदाहरण होगा, क्योंकि वृद्धि संधि की पहचान क्या है, दो मात्राएं, मैंने आपको बताया था। तो वृद्धि संधि की पहचान क्या है, दो मात्राएं। ठीक है, तो जहां भी दो मात्राएं आपको दिखती है वहां वृद्धि संधि होता है। ऐसे ही तत धन एव तो ततैव हो जाएगा, यश धन इच्छा यश इच्छा हो जाएगा, और ये हमारा गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा यदि इसको ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि अ प्लस ई क्या होता है, ए होता है। ठीक है, और अ प्लस ए क्या होता है, आई होता है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि वृद्धि विसर्ग संधि का उदाहरण देखिए, विसर्ग संधि के संदर्भ में पूछा जाता है तो आपका ये वाला विच्छेद और ये वाले शब्द सही होंगे, और यदि वृद्धि संधि के उसमें पूछा जाता है आपसे तो आपका आंसर इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले नियम की ओर। हमारा अगला नियम क्या होता है, हम दस स्वरों के बारे में यहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या बचा हमारा, एक अ, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। यदि विसर्ग से पहले तो अ स्वर हो और इसका मेल यदि अ से ही, किससे, अ से या, दस स्वर हम पहले पढ़ चुके हैं इसके। ठीक है, यदि विसर्ग के बाद में अ हो या फिर कोई भी सघोष व्यंजन हो, कोई भी सघोष व्यंजन, क्या कहा मैंने, व्यंजन, व्यंजनों की संख्या कितनी है, 20, कितनी है 20, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, इसके अलावा यर अलावा और ह। ठीक है, तो हमारे ये 20 व्यंजन और अ, इनमें इनका मेल यदि विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग से होता है तो विसर्ग को ओ में परिवर्तित कर देते हैं, विसर्ग को ओ में परिवर्तित कर देते हैं। ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस नियम से अधिकतर प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे मना धन ज, तीसरा चौथा पांचवा, च छ ज, कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर का। ठीक है, तो जब ये तीसरे नंबर का हमारा सघोष वर्ण आ गया तो हम इस विसर्ग को क्या करेंगे, विसर्ग से पहले क्या है, देखिए अस्वर है, तो हम इस विसर्ग को ओ में परिवर्तित कर देंगे, क्या हो गया, मनोज, क्या हो गया, मनोज। इसी प्रकार देखिए यश धन दा अर्थात यशोदा, अर्थात यशोदा, यश धन धरा क्या हुआ, यशोधरा, यशोधरा क्या हुआ, यशोधरा। इसके अलावा और भी बहुत उदाहरण, जैसे मनह धन हर क्या हुआ, मनोहर, क्या हुआ, मनोहर। और देखिए
मनह धन रथ, क्या हुआ मनोरथ। इसके अतिरिक्त देखिए मनो अभिलाषा है, मनो अभिलाषा है और मनोरोग है और प्रथमोध्याय है। इनको लिखने का एक और तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी इनको किस प्रकार लिखते हैं। यशो अभिलाषा है, ठीक है, और देखिए सरोज, क्या है शब्द सरोज, ठीक है, सरह धन ज सरोज, मनोयोग, क्या है मनोयोग, पयोद, क्या है पयोद। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि इनका एक रूप और होता है। जैसे यहाँ पर मनोभिलाषा लिखा हुआ है, यहाँ पे अ नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको अगर आप इस तरीके से लिखते हैं मनो अवग्रह लगा करके यदि आप इसको लिखते हैं तो भी ये आपका शुद्ध है, लेकिन अवग्रह के ऊपर शिरोरेखा नहीं आएगी, अवग्रह के ऊपर शिरोरेखा नहीं आती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो शब्द है आपके कौन से प्रथमोध्याय जहां पर अ का मेल हो रहा है, तो वो अ की जगह आप क्या लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं आप अवग्रह भी लगा सकते हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं अवग्रह, ठीक है। ये था हमारा नियम नंबर 7। नियम नंबर 7, 6 हम पढ़ चुके हैं क्या, कि यदि विसर्ग से पहले अ और उसका मेल अ के अतिरिक्त अन्य स्वरों से होता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। फिर हमने पढ़ा यदि विसर्ग से पहले अ और उसका मेल अ या किसी भी सघोष व्यंजन से होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो विग्रह का ओ हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अगला नियम, अगला नियम हमारा नियम नंबर 8। ये कहता है, क्या कहता है कि यदि अभी तक हमने क्या पढ़ा था विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ में कौन सा स्वर था अ, अब ये कह रहा है कि अ के अलावा, अ के अलावा स्वर हो, यानी अ को हटा दिया तो कितने बचे हमारे 10 स्वर और विसर्ग हो, यानी विसर्ग के साथ में अ के अतिरिक्त इसको छोड़कर कोई सा भी स्वर हो सकता है और इसके बाद में कोई सा भी सघोष वर्ण हो। हमारे सघोष वर्णों की संख्या क्या है, हमारे सघोष वर्णों की संख्या है 31। इन 31 में से कोई सा भी वर्ण हो, कोई सा भी स्वर हो या व्यंजन हो तो इस विसर्ग को र में परिवर्तित कर देते हैं। यदि अ के अलावा कोई भी स्वर यहाँ विसर्ग के साथ में लग रहा है, विसर्ग से पहले लग रहा है और यदि यहाँ पर इसका मेल सघोष किसी भी वर्ण से हो रहा है तो विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाता है। जैसे निह धन रोग, निह धन रोग, सॉरी निह धन जन, निह धन जन, तो यह विसर्ग जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है र में, क्या हो गया ये। अब र जब स्वर रहित होता है तो वो ऊपर चढ़ता है, क्या हो गया निर्जन, क्या हो गया निर्जन। इसके अलावा देखिए निह धन, निह प्लस धन क्या हुआ निर्धन, निह प्लस धन क्या हुआ निर्धन, निह धन अक्षर यहां पर क्या है अ, इस विसर्ग को हम किस में बदलेंगे र में, जब ये र में अ जुड़ेगा तो र क्या हो जाएगा हमारा पूरा और हमें शब्द क्या प्राप्त हुआ निरक्षर, शब्द क्या प्राप्त हुआ हमें निरक्षर। इसके अलावा एक शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आशी ही धनवाद। आज भी कई लोग इस शब्द को लिखने में बहुत अशुद्धियां करते हैं, बहुत अशुद्ध लिखते हैं इसे, क्योंकि ये देखिए र कहाँ आ रहा है श के बाद में, र कहाँ आ रहा है श के बाद में, इसलिए श में ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जब र स्वर रहित होता है तो उसके अगले वाले वर्ण पर चढ़ता है,
अगले वाले वर्ण पर चलता है। ये शब्द शुद्धि में भी आता है और कई बार इसका जो संधि विच्छेद है वो भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे नियम नंबर 8 के उदाहरण। और भी उदाहरण देखिए, जैसे निर्बल। ठीक है, क्या कहा मैंने, निर्बल। इसके अलावा निरंजन, निधन, अंजन। क्या हुआ, निरंजन। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे, ये थे हमारे नियम नंबर 8 विसर्ग संधि के उदाहरण। आखिरी नियम जो बचा है हमारा, नियम नंबर 9, वो क्या कहता है, आइए देखते हैं। अगला नियम हमारा कहता है कि यदि विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ है, यदि विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ स्वर है और विसर्ग के बाद में यदि र वर्ण होता है, विसर्ग के बाद में र वर्ण होता है तो इन दोनों का दीर्घीकरण हो जाता है, ये दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं, विसर्ग हट जाता है और र जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण है नी धन रोग। विसर्ग, विसर्ग से पहले छोटी ई और छोटी ई का मेल किससे हो रहा है हमारा, विसर्ग का मेल हो रहा है र से, तो हम क्या करेंगे, इस छोटी ई को तो बदलेंगे बड़ी ई में, विसर्ग का लोप हो गया और बाकी का शब्द ऐसे कैसे लिख दिया, शब्द क्या हो गया, निरोग। शब्द क्या हो गया, निरोग। इसके अलावा देखिए निहि धन रज, क्या हुआ, नीरज। और शब्द देखिए, जैसे नीरस, नीरव। ठीक है, और देखिए दुराज, दूरस। ठीक है, और देखिए चक्षु रोग, चक्षु रोग। नी रंध्र, नी रंध्र। जैसे यहां देखिए आप नी धन रस, हमने क्या किया, इस जो लघु स्वर है इसका दीर्घ हो गया और विसर्ग का लोप हो गया, बाकी का शब्द वैसे के वैसे आ गया। नीरव में भी यही होगा, न पे छोटी की मात्रा, विसर्ग और रव। दुराज में भी द पे छोटे ऊ की मात्रा, विसर्ग और राज। फिर दूरस में दू और विसर्ग और रस। आई बात आपको समझ में। और यह देखिए चक्षु रोग, तो चक्षु में छोटे ऊ की मात्रा लगती है, विसर्ग धन रोग। ठीक है, निरंध्र निहि धन रंध्र, क्या हुआ, निरंध्र। तो ये था हमारा व्यंजन संधि का अंतिम और नवा नियम। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये विसर्ग संधि के नियम समझ में आए या नहीं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इसको पढ़ सके, समझ सके। धन्यवाद। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।